हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्पिंग बाजार। आज हम बात करने वाले हैं XDR का प्रिंटर की, जो कि आप देख पा रहे हो बहुत ही छोटा सा। इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो और फ़ोन से कनेक्ट करके कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो, कहीं भी मतलब जीन्स हो, टेक्सटाइल हो, वुड हो, हर जगह ये प्रिंट हो जाएगा। मेटल वगैरह पे हर जगह, बस आपको फ़ोन से कनेक्ट कर लेना है और मोड जो से ऑन करना है वो ऑन कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे कलर देते हैं, आप फ़ोन वगैरह सब चेंज कर सकते हो फ़ोन से अपने। बहुत ही अच्छा प्रिंटर, अगर आपको परचेज करना है मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, आप जाके परचेज कर सकते हो। मतलब हर जगह लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है, बस आपको फ़ोन से कनेक्ट करना है, बैटरी से चलता है सेल वगैरह, काफ़ी अच्छा प्रिंटर है। यहाँ तक कि प्लास्टिक वगैरह पर हर जगह प्रिंट कर सकते हो आप, ठीक है। बात कर लेते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की। नंबर 2 पे आता है हमारा प्रोडक्ट, बेसिकली मोबाइल स्टैंड आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आईपैड से लेके जो सेल फोन होते हैं मोबाइल, उनको सबको ये अटैच कर सकता है। और इसकी ये अच्छी बात है, ये मोबाइल होल्डर से लेके टैब तक के इसके होल्डर दिए हुए हैं। और ये मेटल बॉडी में आपको देखने के लिए मिल जाता है, 360 में रोटेट हो जाता है, काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है। और ये आपकी अनुसार एडजस्ट हो जाता है, जैसे कि आप कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो उसको आराम से अटेंड कर सकते हो बिना पेन हुए। नेक को नीचे घुमाए तो उसमें पेन हो जाता है ना, नेक वगैरह में ज़्यादा चला लेते हैं। अगर आपको परचेस करना है लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाके परचेस कर सकते हो। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं लुक स्टैंड की। जैसे कि आप देखने से ही पता चल रहा है लुक स्टैंड है, मतलब आपके फ़ोन के पीछे अटैच हो जाएगा ये। उसके बाद आपको सिर्फ खोलना है इसको, जितना आपको चाहिए ज़रूरत के मुताबिक उतना आप इस स्टैंड को ऊपर कर सकते हो और 180 में रोटेट हो जाएगा। जिस तरह आपको कुछ भी करना है तो अच्छा है, मतलब एक तरह से स्टैंड भी बन जाता है और आपका वही कुछ काम करते हो आराम से, कुछ भी कर सकते हो आप, सब कुछ कीबोर्ड वगैरह सब अटैच करके आप चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंक्शन भी बहुत है इसमें। और अगर आपको परचेज़ करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।